अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा उशना शाह ने शादी के चंद रोज बाद ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करने का ऐलान कर दिया है। अदाकारा उशना शाह ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करने के हवाले से बताया है कि वो अपनी जहनी सेहत के लिए कुछ अर्से के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रही है। उशना शाह ने कहा है अपनी शादी की तकरीबात इस तरह से की है कि जिस तरह वो चाहती थी। इनका मकसद पाकिस्तानी सकाफत की तोहीन करना हरगिज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी शादी के जोड़े पर लोगों के गमों गुस्से को कम करने के लिए माफी मांगी थी। अपनी स्टोरीज की सीरीज में उशना शाह ने लिखा है कि मैंने अपनी शादी को निजी रखने के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी इजाजत के बगैर इनकी शादी की तस्वीर ऑनलाइन शाया हो गई थी और इनकी जिंदगी दखल अंदाजी का शिकार हुई, जिसके बाद इन्हें अपने लहंगे की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने इनकी निजी जिंदगी में मुदाखलत करते हुए इनकी खुशी को बर्बाद किया है, यहाँ तक कि निकाह की तकरीब में भी खलल डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर दुल्हन की तरह मैं भी अपनी शादी की तकरीब इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर गमजदा हो गई थी। मेरे भी इंसानी लम्हात हैं और मैंने रद्दअमल देते हुए अपनी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने पर एक शख्स को बेनकाब किया था, जिसने सैकड़ों कमेंट्स पढ़े और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अदाकारा ने लिखा कि बराए मेहरबानी मेरा यकीन करें कि मैंने शादी हमारी सकाफत की तोहीन करने के लिए नहीं की थी, मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और माफ़ी मांग भी चुकी हूँ। मैं अपनी जहनी सेहत के लिए इस प्लेटफॉर्म को छोड़ रही हूँ ताकि अपना कीमती वक्त और तवानाइयाँ अपने शोहर और अपने नए खानदान के साथ बांट सकूँ, जो कि मेरे लिए एक नेमत है। उसने जाने लिखा कि अगर मैं ये काम ही छोड़ देती हूँ तो फिर भी मैं आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों के लिए आके मशकूर हूँ। एक सारिफ की जानिब से लिखा गया कि उशना शाह जैसे लोगों ने हमारी सकाफत को बर्बाद कर दिया, जो लिबास उन्होंने पहना है वो रक्स कर रही हैं, ये वाजिया पैगाम देता है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं है ना कभी होंगी।